राजस्थान की कई जगहों पर रोजाना मौसम बदल रहा है। जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा में दोपहर में रविवार को अचानक मौसम बदला और बादल उबड़ने लगे। दिल में ही शाम का एहसास होने लगा। बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ फसल तो काट कर खेत में रखा गया है, कुछ फसल पक गए हैं, उन्हें काटने की तैयारी है। इस तरह बारिश से फसलें खराब हो रही है। उधर कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाए रही। मौसम विभाग ने जयपुर दौसा में तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। अगले दो दिन तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा। इसके बाद 21 से 22 मार्च को बारिश का दौर हल्का हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलवर से संवाददाता भरत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, अगर बात अलवर की यहाँ करें तो मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बारिश की बात की जाए तो अलवर में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? दीपिका, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अलवर में लगातार दो दिन से मौसम खराब हो रहा है, तो वहीं किसानों की लगातार चिंता बढ़ रही है। वहीं बीती रात की बात करूँ तो बीती रात अलवर ग्रामीण क्षेत्र में करीब 10 मिनट ओले गिरने से किसानों की जो गेहूं की फसलों में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिससे किसान काफी चिंतित है। वहीं अब किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। मैं बता दूं कि आज भी मौसम विभाग ने आज के दिन भी अलर्ट जारी किया है। वहीं ओले में कहीं कहीं मेघ गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में किसानों की और चिंता बढ़ सकती है। जी दीपिका जी, भरत, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि फसलों की अगर यहाँ पर बात की जाए, इस बेमौसम बरसात से और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी नुकसान यहाँ पर हो रहा है, कौन कौन से फसलों को नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जो किसानों की फसल है इन दिनों, जो गेहूं की और चने की जो फसल है वो जो पक्के तैयार खड़ी हुई है। वहीं मैं बता दूं कि जो बीती रात ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्त ओले पड़े थे, तो गेहूं की फसल में करीबन 60% नुकसान देखने को मिल रहा है, जिससे किसान काफी मायूस है। वहीं अब किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी जो ओलेवृष्टि, जो बेमौसम बारिश से जो फसल चौपट हुई, उसका मुआवजा दिया जाए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है किसानों के लिए अब दोहरी मार झेलने को मिल रही है। जी जी, मौसमी बीमारियों की यहाँ पर भरत अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके के मरीज स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में देखने को मिल रही है? जी, जैसे ही ये मौसम परिवर्तन हुआ है, वहीं मैं मौसम बीमारियों की बात करूं तो लगातार अस्पतालों में ओपीडी बढ़ रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो अस्पताल है वो जो मरीजों के फुल हो रहे हैं। वहीं ओपीडी 250 से 300 पार हो गई। वहीं अलवर शहर की बात करूं, शहर में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।